मेडिकल में पास भी करवा सकते हैं और फिर भी वो रेफर होने से बच जाएँ। और आप अभी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें कि अभी इस चीज़ को दूध अगर आप पियेंगे ना तो आपका चेहरा जो है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी रहें नाक आप सबको कामयाब रखें, खुश रखें। अच्छा, हम कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको मेडिकल में पास भी करवा सकते हैं और फेल भी करवा सकते हैं। अगर अमल कर लें तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, अगर अमल नहीं करेंगे तो शायद फेल भी हो सकते हैं। हमारी दुआएं के अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, जितने भी मेडिकल पे जा रहे हैं भी अनफिट ना हो। इसलिए कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ इस तरह टिप्स ले जाएँ ताकि आपको रेफ़र होने से बच जाएँ और आप मतलब पहले से खुद को प्रिपेयर करें। तो अगर चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते रहें। तो देखें, अगर आप चाहते हैं कि मैं मतलब ट्रेनिंग सेंटर हो या आपका हो भर्ती सेंटर, जहाँ पर भी आपका फाइनल मेडिकल हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद को क्लियर करूँ तो देखें इस चीज़ से तो अभी से कर दें। और है घी वाली चीज़ें और तली हुई चीज़ों से, इन चीज़ों से अभी अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें कि अभी इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है ना। फ़र्ज़ के अगर आपका एक महीना ट्रेनिंग से रहता है तो कोशिश करें कि एक महीना घी वाली चीज़ें तली हुई चीज़ से खुद को दूर रखें, ठीक है ना। इसके साथ आप फ्रूट खाएं, दूध पिएं और साथ में पानी ज़्यादा पिए। क्या पानी अपने बहुत ज़्यादा पीना है, काफ़ी में मतलब अगर 8 गिलास ग्लोबली हैं तो कोशिश करें कि आप तकरीबन 16, 18, 20 जितना आपसे हो सके भागा करें, ठीक है। जब तक आप भागते हैं वर्दिश आपकी होती है तो फिर आपको पानी की तलब ज़्यादा होती है। तो कोशिश करें कि घी वाली चीज़ें तली हुई चीज़ों से खुद को दूर रखें। और जो जूस हो गया, अच्छे वाला जूस हो गया, गन्ने वाला हो गया तो बहुत बेहतर है। नहीं तो आजकल आम मिल रहे हैं, आम का नहीं, केले का नहीं, केले मतलब केला ले लें, आम ले लें, जूस कोई भी हो, अच्छे वाला जूस हो, डब्बू वाले से अगर दूर रहें तो अच्छा रहेगा। घर में अगर खुद बना लें तो वो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि वो फिर हर चीज़ साफ़ होती है, पूरा बंदे को टेंशन नहीं होती उन चीज़ों से। तो कोशिश करें कि घर में खुद इस चीज़ को कर लिया करें तैयार। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपने फेस चेहरे को बरकरार रखें, अच्छा रखें। दूध अगर आप पियेंगे ना तो आपका चेहरा जो है ये वाइट रहेगा, अच्छा रहेगा, आपका स्किन जो है ना ये बेहतर रहेगा, वाइट रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह ना हो कि मतलब आप भर्ती सेंटर जाते हैं, देखें कुछ चीज़ इस तरह होते हैं जो आपके फेस, आपके मुंह, आपके दांत, ये भी मेडिकल में शुमार होते हैं। जब आप जाते हैं तो आपकी शक्ल अच्छी हो, ऐसा ना हो कि मतलब आप ऐसे लग रहे हो कि आप कोई मतलब स्मोकिंग करके आए हो। तो इन चीज़ों से खुद को दूर रखें और अपने फेस को अच्छा रखें, साफ रखें, और मतलब वो काम करें जो मतलब आपको पता हो कि इससे मेरा फेस ख़राब नहीं होता और मतलब मेरा चेहरा भी इससे ठीक रहता, तो वो काम आप करें। तो मेडिकल अभी स्टार्ट है, इस तरह ना हो कि मतलब आप एक दिन पहले ये चीज़ छोड़ दें, थोड़ा मुश्किल है। देखें अगर आप साफ़ सुथरा रहेंगे ना तो वो कोशिश करेंगे कि वो आपको स्ट्रिक्टली चेक नहीं करते। अगर आपका मतलब मुँह से स्मेल आ रही होगी, दांत आपके गंदे होंगे, तो फिर वो आपको स्ट्रिक्टली चेक करते हैं और वो कहते हैं कि यार इसको स्ट्रिक्टली चेक करें। देखें इसके साथ साथ मैं तो कहता हूँ कि टच मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, बुरे कामों से खुद को दूर रखें। वैसे इंसान बींग अ मुस्लिम हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो टच मोबाइल है ना, माफ़ करें, इससे कोशिश करें कि खुद को दूर रखें। मैं तो कहता हूँ अगर खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक दो महीने के लिए टच मोबाइल से दूर रहें। सिर्फ अपनी नीड, अपनी ज़रूरत के वक्त अगर अपने इस्तेमाल करने देख लिया करें, नहीं तो कोशिश करें कि इस चीज़ से खुद को दूर रखें और कोई छोटा सा मोबाइल लें और उसको आप कॉल वगैरह के लिए यूज़ करें। तो माइंड भी मत करना, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं, देखते हैं तो काफ़ी इस तरह कैंडिडेट्स मेडिकल फेल करके आ जाते हैं अपनी इन कामों की वजह से। कोशिश करें फाइनल मेडिकल जाने से पहले अपने आप की पूरी सफाई कर लें, दांत, एंटी के कान वगैरह, और कटिंग जो है बाल जो बहुत अच्छे लगते हैं इंसान को। जब भी आप मेडिकल पर जाते हैं तो उनकी केरेट वाली कटिंग आपने करवा लेनी है, यूट्यूब से देख लेनी चाहिए आपको। रोज़ाना की बुनियाद पर आपने ब्रश करना है और इसके साथ साथ वॉकिंग करने, ज़्यादा सख्त काम नहीं करने, करें सही तरह कि घर पर बिल्कुल भेज दें, बिल्कुल घर पर बैठना भी नहीं है। तो काम वगैरह भी साथ में किया करें, इस तरह बिल्कुल सख्त काम भी मत करना और बिल्कुल इस तरह भी ना हो कि घर पर बैठ जाएं, कोई काम ना करें, थोड़ा वॉक भी किया करें, ब्रश वगैरह भी किया करें और अपने आप को साफ़ रखें और हर किसी के साथ अखलाक के साथ पेश आएँ। नमाज़ 5 वक्त के टाइम पर पढ़ा करें, और क्योंकि ये इस तरह चीज़ें जो आपको काफ़ी पीक पर ले जाती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल कैंडिडेट्स, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें, आमीन।